लोग यहाँ से चल के यहाँ तक आए हैं। अब इधर से क्रॉस करके उधर सामने जाना है। तो यहाँ से ये नदी आ रही है, नदी है कि तालाब है अपने को पता नहीं, बट रास्ता रास्ता कहाँ से, पानी वानी तो है लग रहा है ना। सक्सेस हो गया भाई, लग रहा है प्लेन अपना। सामने भाई पब्लिक, पानी तो है देखो, तो भाई नीचे कैसे जाए अपने, रास्ता कहाँ से। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे लाइक मी। सो अभी समय कुछ 6 बज रहे हैं और मैं और हार्दिक भाई आए हैं कंकेश्वर महादेव टेम्पल, जो दाहोद से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर है। अगर आपको आसपास में कहीं घूमने जाना है संडे राइड को, तो आप ये वाले टेम्पल आ सकते हैं और फोटोग्राफी भी इधर बहुत अच्छी हो सकती है। तो अभी नीचे जाते हैं, फिर आपको पूरा डिटेल बताते हैं मंदिर का, ठीक है। तो यहाँ से अपने को नीचे जाने का है, सीढ़ी वीढ़ी का भाई इंतज़ाम कर दिया सही से। तो ये अभी हम लोग एंट्री ले रहे हैं कंकेश्वर महादेव टेम्पल में, और यहाँ का जो व्यू है बहुत सही है। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको इस तरीके का व्यू दिखेगा। यहाँ से आपको अब धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, ये पूरा पहाड़ जैसा एरिया है और यहाँ अभी ये लग रहा है न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है। और ये जो एक तालाब टाइप है छोटा सा, वहाँ से सामने से झरना आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी आगे। और यहाँ है एक छोटा सा मंदिर रखे हैं जिधर हवन कुंड है और गणपति जी की स्थापना किए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पीछे एक अच्छा सा झरना है सुंदर सा, और यहाँ पे आके आप फोटोग्राफी कर सकते हो। और जो महादेव का मंदिर है उससे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है महादेव जी का मंदिर, और अंदर शिवलिंग है और मूर्ति है, और इधर साइड झरना जिधर आप तैर तो नहीं सकते हो, खाली बस देख सकते हो, वहाँ ऊपर भी जा सकते हो। सामने आप लोग देख रहे हैं वो हाईवे है झालोद वाला। तो यहाँ से ये नदी आ रही है, नदी है कि तालाब है अपने को पता नहीं, बट जो भी है यहाँ ऊपर से झरना बह रहा है भैंसा सिंगा जैसा, सेम जैसा वहाँ है, बट ये थोड़ा पानी कम है इसमें। वहाँ भी हम लोग ऊपर जाएंगे, कोशिश करते हैं वहाँ जाने की। लोग यहाँ से चल के यहाँ तक आए हैं, अब इधर से क्रॉस करके उधर सामने जाना है, बट यहाँ से थोड़ा लंबा रास्ता है और समय भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अभी हम लोग घर के तरफ के लिए जा रहे हैं। अगर मतलब कि आप संडे को प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली के साथ जाने का, तो आप ये जगह को प्रिफर कर सकते हैं। जगह बहुत अच्छी है, शांत है और पास में भी है, विथ फुल सेफ्टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो को यहाँ तक रखेंगे, आई होप आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।